यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है फोन टेम्परेचर टू लो, इनपुट वोल्टेज देखिए 5.1 वोल्टेज और यहाँ पे देखिए 2.9 वोल्टेज। ये हमारे पास एक मॉडल आया है, इस मॉडल का नाम है ये Y15 है, वीवो का सेट है ये Y15। इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए, अजब सा प्रॉब्लम है। मैं इसमें चार्ज लगाता हूँ, देखिए चार्ज लगाया मैं, ये क्या हुआ देखिए 0.7, फिर 0.1.0, फिर देखिए यहाँ पे देखिए 0.1.9, फिर 0.2। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है फोन टेम्परेचर टू लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी एम्पियर नहीं शो कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैं पीछे ले जाऊँ थोड़ा, देखिए ये मैंने चार्जिंग लगाया, फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे दिखाइए देखिए 0.1.0, फिर से 1.0, देखिए ओके। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है आपका प्रॉब्लम फोन टेम्परेचर टू लो, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इसको अभी हम लोग ट्रेस करेंगे। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम थर्मल लाइन में हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैटरी का थर्मल, इसमें बैटरी का तो टेम्परेचर टू हाई नहीं लिख रहा है, इसमें लिख रहा है फोन का टेम्परेचर टू हाई। तो पहले हम लोग देख लेंगे, देखिए इसका तो स्कीमेटिक नहीं है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक में गया मैं, इसमें स्कीमेटिक वीवो का Y15, देखिए Y15 का कोई भी स्कीमेटिक नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेंगे इसमें वोल्टेज क्या बना रहा है, इसको इस तरह से थोड़ा निकाल देंगे और अभी देखिए इसमें लगा हुआ है DQ25601D, ये लगा हुआ है इसका चार्जिंग आईसी, ठीक है। इसको DC to DC IC भी बोलते हैं और चार्जिंग आईसी बोलते हैं। ये सिर्फ DQ IC मतलब सिर्फ चार्जिंग आईसी 25601D, ठीक है। इसमें हम लोग पहले चेक कर लेंगे, देखिए वोल्टेज रेंज में मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें मैं रखता हूँ इधर वोल्टेज, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा तो देखिए मैंने इसमें वोल्टेज चेक करूंगा, देखिए यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा, देखिए इनपुट वोल्टेज आपको मिल गया 5.1 वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे 5.1 वोल्टेज है, जो ये होता है PMID, तो PMID जो है वो वोल्टेज इतना नहीं होना चाहिए, मिनिमम 4.5 के आसपास वोल्टेज होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही सारा वोल्टेज यहाँ पर लगा दिया है और अभी हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए ये 3.9 वोल्टेज है, ये VPH का वोल्टेज है, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी VPH का वोल्टेज है 3.9 कॉन्स्टेंट रहता है, ये सही है, ठीक है। देखिए REGN का वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है, देखिए ये होता है
ये एक नंबर पिन होने से यहाँ पे 11 नंबर, जहाँ जो हम लोग टेस्ट करेंगे अभी क्या ना थर्मल सेंस, ठीक है, थर्मल सेंस में देखेंगे इनपुट वोल्टेज, देखिए 5.1 वोल्टेज और यहाँ पे देखिए 2.9 वोल्टेज, ये आपको मिलना चाहिए 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे निकाल देता है। देखिए 5.1 वोल्टेज यहाँ पर है, ये आरिजिन का वोल्टेज, और यहाँ पे देखिए 2.98, मतलब 3.0 के आसपास वोल्टेज है यहाँ पे। ये जो मिडिल पॉइंट है, ये दोनों रजिस्टर है, ये सेम वैल्यू का रजिस्टर होना चाहिए। ये रजिस्टर से गड़बड़ हो सकता है, यानी कि ये नहीं तो इनपुट से गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, इसमें इनपुट से गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो ये जो रजिस्टर से गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो देख लेंगे। ये आईसी से गड़बड़ नहीं है, ये इनपुट से गड़बड़ है, नहीं तो कहाँ गड़बड़ है, ये जो दोनों रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर से गड़बड़ है। तो ये दोनों रजिस्टर को पहले चेक कर लेंगे कितना कितना वैल्यू का रजिस्टर है, ठीक है। अभी मैंने बैटरी को निकाल दिया और चार्जर को भी निकाल दिया, अभी मैं टेस्ट करूंगा पुल टेस्ट में इसका इसका रजिस्टर वैल्यू चेक करूंगा, ये कितना ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। इसमें देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, ये स्कीमेटिक तो देखिए, स्कीमेटिक देखिए, एक 25601 का यहाँ पे एक मैं 5A का चार्जिंग आईसी दिखाया हूँ स्कीमेटिक में। यहाँ पे देखिए इनपुट होता है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आरिजिन का वोल्टेज भी 5.1 वोल्टेज मिनिमम आसपास ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है। देन देखिए यहाँ पर ये TS है, ये जो TS है थर्मल सेंस है, यहीं पर आपको देखिए वोल्टेज दोनों जो रजिस्टर यहाँ पे जो दोनों रजिस्टर लगा हुआ है, ये सेम सेम वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे 10K और 10K दोनों रजिस्टर लगा हुआ है, ये डिवाइडर सर्किट एक बना हुआ है, आरिजिन वोल्टेज यहीं पर ही ये डिवाइडर सर्किट बनाता है, होके इस आईसी को जाता है, यानी कि आईसी से आता नहीं है, आईसी को जाता है, ठीक है। ये दोनों जो रजिस्टर है वो सेम वैल्यू का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं रजिस्टर मोड में रखा हूँ मल्टीमीटर को, और देखेंगे देखिए ये 43 किलो ओम्स का रजिस्टर है, और ये देखिए ये भी 43 का किलो ओम्स का, यानी कि दोनों रजिस्टर जो है 43 किलो ओम्स का रजिस्टर है, सेम टू सेम रजिस्टर है। तो हमको लग रहा है कि ये रजिस्टर से प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई गड़बड़ी होता तो एक रजिस्टर कम हो जाता, एक रजिस्टर ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि ये दोनों रजिस्टर सेम टू सेम वैल्यू है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर सॉरी ये देखिए एक बार और देखिए, ये 43 किलो ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। देखिए ये भी सेम टू सेम है, 44, 42, 43 है, ठीक है, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू का रजिस्टर है, कोई इसमें मसला नहीं है, इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इनपुट लाइन से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनपुट लाइन क्या है, देखिए ये जो सबबोर्ड है इसी से प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो ये जो फ्लेक्स केबुल है इसी से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पहले हम लोग एक सबबोर्ड चेंज करके देख लेते हैं। देखिए ये क्या सबबोर्ड और फ्लेक्स केबुल है, पहले ये सबबोर्ड को चेंज करके भी देख लेंगे कि ये प्रॉब्लम जो इनपुट लाइन से है वो ठीक हुआ या नहीं, ठीक है। देखिए मैंने ये सबबोर्ड को चेंज किया, देखिए इसमें थोड़ा काम हुआ है। देखिए ये जो वी बस लाइन है इसको यहाँ पे दिया गया है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं, ये वाला मैंने सबबोर्ड एक चेंज किया, पत्ता सेम टू सेम है, फ्लेक्स केबल जो है सेम टू सेम है, और इसी सबबोर्ड को मैंने चेंज कर लिया, और देखेंगे इसमें बैटरी लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो
ठीक है, ये सेम सपोर्ट, सपोर्ट चेंज किया हम लोग, ठीक है, ये वाला सपोर्ट हम लोग चेंज किए, अब अभी देखेंगे क्या हाल है, क्या हाल है देखेंगे अभी। 0.6 और आगे जा रहा है क्या? हाँ आया, ऑन हुआ और 0.6 से तो ऊपर नहीं है। आइए देखें, ये देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम में था ये थोड़ा सॉल्व हुआ है, फिर भी इसमें क्या है ना, 0.6 एम्पियर जो है वो तो काफ़ी नहीं है ना, 0.6 एम्पियर क्या इसमें चार्ज होगा क्या 0.6 एम्पियर में? ये तो देखिए, ये तो आपका चार्ज यहाँ पे दिखा लिया, अरे सर हमने इसमें नहीं लगाया है, ऑन ऑफ जो कनेक्टर है इसमें नहीं लगाया, ये इसमें कनेक्टर लगाया मैंने, देखिए यहाँ पे आपका चार्जिंग शो किया, ये जो फोन टेम्परेचर था वो अभी शो नहीं कर रहा है, ये चार्जिंग अभी सॉल्व हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1.3 एम्पियर आ गया, ठीक है, अगर 1.3 एम्पियर आ रहा है तो तभी भी ठीक है, सही है, फिर भी हम लोग एक 1.8 एम्पियर की 2 एम्पियर होने से ठीक होता, ठीक है, फिर भी ये जो फ्लेक्स केबल है इसको एक बार चेंज करके देखते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्स केबल हम लोग चेंज कर लिए और ये जो सपोर्ट है वो भी चेंज कर लिए, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर 0.7 मैं साइड में रखा, 0.7 और यहाँ पे देखिए चार्जिंग फटाश किया गया, अभी 1.8 एम्पियर, देखिए 1.8 एम्पियर, अभी इसमें फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है क्या 1.8 एम्पियर से? नहीं नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, देखिए देखिए 1.6 एम्पियर है, यानी कि थोड़ा बहुत एम्पियर भी बढ़ गया, और यहाँ पे देखिए ये जो चार्जिंग है ये भी चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम था बताइए, इसमें प्रॉब्लम था इनपुट लाइन से, मैंने यानी कि चार्जिंग का इनपुट लाइन क्या है ये वाला, यहाँ से जो इनपुट लाइन इधर इधर को आता है, देखिए यहाँ इनपुट लाइन जो आता है उसमें से प्रॉब्लम हुआ था, और अभी हम लोग अभी चेक कर लेंगे, मैं जो दिखाया था वो वाला सॉल्व हुआ कि नहीं, शायद इसमें सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे 1.6 एम्पियर आसपास ये ले चुका है, हाँ तब तो टोटली एम्पियर ही नहीं लेता था, तो फोन का टेम्परेचर टू हाई लिखता था। यहाँ पे देखिए मैंने ये थर्मल सेंस में दिखाया था आपको, ये यहाँ पे 3.0 आसपास ये इन जो डिटेक्शन जो डिवाइडर सर्किट है दिखा रहा हूँ बड़ा करके, देखिए ये इसका डिवाइडर सर्किट है, थर्मल सेंस का ये लाइन है, ठीक है, ये 11 नंबर पिन को ये लाइन जाता है, इसमें एक डिवाइडर सर्किट बना के जाता है, ये दोनों जो रजिस्टर है, ये दोनों जो रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर सेम टू सेम वैल्यू का होना चाहिए, ठीक है, ये तो सेम टू सेम वैल्यू का ही रजिस्टर था, मैंने इसमें वोल्टेज रेंज में इसको चेक करूँगा कि अभी क्या मसला है, वो जो प्रॉब्लम था अभी प्रॉब्लम में क्या है, अभी अंतर क्या है, क्या क्या वोल्टेज था अभी का वोल्टेज अंतर क्या है, देखिए देखिए ये जो है 4.4 का वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आ गया था इधर, ये ज्यादा वोल्टेज आ गया था 5.1 वोल्टेज आ गया था, हाँ अभी देखिए ये 4.5 वोल्टेज सही है, वोल्टेज 5.1 वोल्टेज आ गया था, यहाँ पे देखिए हर वोल्टेज सेम होने लगा, यहाँ पे देखिए ये 4.4 वोल्टेज और यहाँ पे देखिए 2.5 वोल्टेज, देखिए 2.6 वोल्टेज है, ठीक है,
यानी 2.5 वोल्टेज अगर इसके अंदर घुसेगा तो ये जो थर्मल सेंस है वो सेंस करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ था, सेंस से यहीं से प्रॉब्लम हुआ था, 3.0 के आसपास वोल्टेज था, 2.9 वोल्टेज आसपास, अभी ये देखिए 2.6 वोल्टेज, अभी फिर भी देखिए यहाँ पे लाइए 1.6 एम्पियर में है पूरा, 1.6 एम्पियर अभी कांस्टेंट ही है। अगर हम इसको मैंने ऑन करूँगा तो 1.8 वोल्टेज आसपास चला जाएगा, ये सॉरी 1.8 एम्पियर आसपास आ जाएगा। देखिए मोबाइल ऑन किया, देखिए 1.0 1.6 पूरा ऑन हो जाए, थोड़ा देख लेंगे 1.6 देखिए 1.8 वोल्टेज 1.8 एम्पियर, ठीक है। तो 1.8 एम्पियर में चार्जिंग हुआ, ठीक है। तो आपने देखे कि ये जो प्रॉब्लम था ये छोटा सा प्रॉब्लम लेकिन बड़ा टेंशन देने वाला प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ये फ्लेक्स केबल और ये जो चार्जिंग का जो सपोर्ट है इस बोर्ड को चेंज करना पड़ा, ठीक है। इसी से ही प्रॉब्लम था, इनपुट लाइन से ही प्रॉब्लम था, इनपुट लाइन से प्रॉब्लम होने के वजह से ये जो हमारा जो थर्मल सेंस है ये थर्मल सेंस थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज हो गया था, इसलिए फोन टेम्परेचर टू लो बता था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि ये जो थर्मल सेंस है ये 11 नंबर पिन को जाता है और ये दोनों रजिस्टर होके जाता है, एक डिवाइडर सर्किट बना के जाता है। तो ये ओरिजिन वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा हो गया था और इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज इनपुट हो गया था। तो ज़्यादा वोल्टेज इनपुट होना हो जाने से ये जो थर्मल मैंने थर्मल लाइन से प्रॉब्लम होता है, ये जो आईसी को ज़्यादा वोल्टेज जाने से ये आईसी समझता है कि इसमें कुछ ज़्यादा हीट हो गया है, बॉडी कुछ हीट हो गया है ज़्यादा, लेकिन इसमें कोई हीट नहीं था। तो इसमें थोड़ा मसला था, ये जो ओरिजिन वोल्टेज से मसला था, यानी कि ये जो वीबस लाइन है और पीएमआईडी लाइन है ये दोनों लाइन से ही थोड़ा अगड़बड़ था, ठीक है। बहुत वीडियो इसी तरह से अच्छा वाला वीडियो होने वाला है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी।